जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं कई बार आप पछताते रहते हैं कि आपने ट्रेंडिंग डे को मिस कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रेंडिंग डे मार्केट में जब भी आप वीकली टाइम फ्रेम के टॉप या बॉटम में होते हैं तब जो ट्रेंडिंग दो तीन दिन के मार्केट होते हैं, डेज होते हैं, वो सबसे ईजी होते हैं लेकिन उनको पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम के टॉप या बॉटम में होंगे तो आपको ट्रेंडिंग डे मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो चांसेस आप मिस कर चुके हैं तो उसके चक्कर में जो आगे आने वाले रेंज बाउंड डे होंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने लगेगा उसमें आप कैरी फॉरवर्ड या फिर पूरे दिन बैठे ना रहें। कई बार आपको गैप डाउन मिलेगा, कई बार आपको गैप अप मिलेगा और होगा क्या कि बाय एंड ऑफ डे एक रिवर्सल आ जाएगा हाई से या लो से। तो इस केस में आप ज्यादातर क्या करेंगे, पैसे गवा देंगे क्योंकि आपको लग रहा था कि ये डे भी ट्रेंडिंग होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रेंडिंग डे अगर आप ओवरऑल देखें तो 10 में से 2 से 3 दिन ही होते हैं। 7 दिन आपको रेंज बाउंड या स्मॉल रेंज में मूवमेंट वाले मार्केट मिलेंगे, 2-3 दिन आपको रिवर्सल वाले मार्केट भी मिलेंगे।